डॉक्टर नितिन थुर्वे पिछले 25 सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। अपने निदान पैथलैब के जरिए काफ़ी किफ़ायत दरों में यहाँ कई टेस्ट किए जाते हैं। अब कार्डियक डिजीज हृदय रोग मरीजों के लिए हाईटेक कार्डियक सिटी स्कैन मशीन स्थापित की गई। अब तक यह सुविधा बोरीवली तक ही सीमित था, पर अब वसई विरार के मरीजों के लिए यह सुविधा काफ़ी कम कीमत पर मिलेगी। आपको बता दें कि निदान पैथलैब ने पैंडेमिक के दौरान अपनी सेवा जारी रखी। 2 सालों में एक दिन भी लैब ने अपना कर्तव्य न निभाया हो ऐसा नहीं हुआ। हम डॉक्टर नितिन थुर्वे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर डॉक्टर नितिन थुर्वे ने कोरोना महामारी के वक्त कई पेशेंट से कोई शुल्क नहीं लिया और उनकी सेवा की, यह अब तक जारी है। कोई मरीज अगर सक्षम नहीं है उन्हें रियायत दी। तभी तो समाज सेवक शैलेश तिवारी ने नितिन थुर्वे को महाराष्ट्र सरकार से पुरस्कार देने की गुहार की। देखिए मुंबई से हमारी एक खास रिपोर्ट। बेसिकली निदान में हम लोग आज के दिन में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किए, उसमें स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्डियक सिटी स्कैनर, जो सिटी स्कैन सपोज टू बी फास्टेस्ट सिटी स्कैनर अवेलेबल अभी जो है उसमें करोनरी एंजियोग्राफी जैसी जो सुविधाएँ उपलब्ध है, करोनरी एंजियोग्राफी को अदरवाइज जो रियल टाइम एंजियोग्राफी कैथलैब में करना पड़ता है उसमें इन्वेजिव प्रोसीजर रहती है, तो इसमें कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी प्रोसीजर हो जाती है और एक्यूरेट रिजल्ट उसके मिल जाते हैं। कार्डिया कोई भी प्रॉब्लम करोनरी एंजियोग्राफी यानी जो जिसमें ब्लॉकेजेस वगैरह रहेंगे तो वो पता चलते हैं। दूसरा उससे सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें कार्डियक कैल्शियम स्कोर पता चलता है और वो कार्डियक कैल्शियम स्कोर है नहीं, उसमें जब भी अपने को ब्लॉकेजेस होते हैं इसमें करोनरी आर्टरीज में उसके पहले कुछ कैल्शियम डिपोजिशन होते हैं और वो कैल्शियम डिपोजिशन वेसल्स में मायोकार्डियम में अगर कुछ होते तो पहले ही पता अगर अपने को चले गए तो उसमें कुछ रिवर्सल प्रोसीजर डाइट या बाकी कुछ प्रिकॉशंस करके हम लोग उससे ये कर सकते हैं, पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो कार्डियक कैल्शियम स्कोर तो बिना कोई डाई इंजेक्ट करके आपको 5 मिनट के अंदर ये मशीन में वो प्रोसीजर हो जाती है कम से कम कीमत में, यानी बॉम्बे में उससे 10 से 15 हज़ार चार्ज करते हैं, यहाँ पे हम लोग खाली 4,500 रुपये में निदान में ये फैसिलिटी पब्लिक के यूज़ के लिए उपलब्ध की है, जिसमें ऑलमोस्ट यानी 30 ईयर्स या अबो हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक से अभी कोविड के पीरियड में और पोस्ट कोविड पीरियड में भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, तो ये अगर कैल्शियम स्कोर अपने को पहले ही पता चलता है तो हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं वो डिसीज का और सब लोग यानी कार्डियक डिसीज से बच सकते हैं। ये यही हमारा मेन मकसद है कि लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ का फ़ायदा हुए जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम लोग बाकी बहुत सारी चीज़ों की तपास करते हैं, तो उससे अच्छा ये कार्डियक कैल्शियम स्कोर अगर हर साल कर लेते हैं तो हमें पहले ही पता चल के हम लोग अपनी केयर ले सकते हैं। और जो मशीन मतलब यहाँ पे है इसके अलावा दूसरा हम लोग अभी डिजिटल रेडियोग्राफी DR जो DR तो ऑलमोस्ट ये टाइप का DR कोई किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसमें जो इमेजेस तो जो डिजिटलली शूट करने के बाद में इमीडिएटली अपने को सॉफ्ट इमेज तो मिलती है, लेकिन इसके ऊपर फुल स्पाइन लेंथ के एक्सरेज या नी जॉइंट के ऑपरेशन के लिए कुछ एक्सरेज की जो जरूरत होती है वो टाइप के एक्सरेज यहाँ पे होते हैं उसके ऊपर। बाकी हमारे पास एक नया अल्ट्रासाउंड मशीन का ये इंट्रोड्यूस किया है, उसमें जो इलेस्टोग्राफी बोलते हैं तो लीवर का ब्रेस्ट का इलेस्टोग्राफी उसके होता है, जो उससे आगे होने वाला जो कैंसर जब भी होता है ब्रेस्ट कैंसर है या लीवर कैंसर है या इस लीवर के सिरोसिस के चेंजेस है तो वो टिश्यू इन्फ्लामेशन के पहले ही पता चल जाते हैं वो इलेस्टोग्राफी फीचर में। तो वैसे बहुत सारे जो सभी एडवांस पब्लिक के लिए यूज हो जाएंगे वैसे सब फीचर्स निदान ने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। बात करूँ प्राइस की, जब भी प्राइस लोग सोचते हैं आपने कहा प्राइस कम है तो ये कंटिन्यू रहेगा प्राइस या फिर क्या कर सकते हैं? ये आप देखोगे तो हमारा एक ब्रीद वाक्य जैसे रखा है यानी अफोर्डेबल क्वालिटेटिव हेल्थ एट अफोर्डेबल रेट्स एट निदान करके हमारा ये प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे यहाँ पे सभी अगर चीज़ें देखोगे आप तो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया मशीन से सबसे बढ़िया क्वालिटी है
सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे से अच्छी सर्विसेज है, और फिर भी सबसे कम दाम है। ऑलमोस्ट वी आर गिविंग सर्विसेज अराउंड 50% ऑफ और 40% ऑफ द मार्केट कॉस्ट। तो वो जो हमारी जो हम लोग एट कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वैसा सब देने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी अगर आप देखोगे तो NSE के ऊपर लिस्टेड है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। हमें उसका कैपिटल की अवेलेबिलिटी अच्छे रेट में हो जाती है, तो हम लोग उसी के कारण ये सभी सुविधाएं जो लोग उनको 8,000 में MRI वगैरह देते हैं, हम लोग हमारे यहाँ पे रात को अगर 2 से 6 बजे तक देखोगे तो वही MRI जो 8,000 चार्ज करते हैं वो अराउंड 2,000 के दरम्यान अलग अलग रेट से ये होते हैं, 2,000 से 4,000 के रेंज में वो MRI की कॉस्ट रहती है। तो ये लोगों के लिए बहुत सुविधाकारक और फायदेमंद चीज़ें हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। निदान डायग्नोस्टिक सेंटर ग्रुप के मालिक श्री माननीय डॉक्टर नितिन थुर्वे जी जो काम किए कोविड में ना, वो सराहनीय वाली चीज़ है, क्योंकि उन्होंने गरीबियों को लेके अमीरों को लेके बड़े पैमाने पे अच्छे काम किए। और मैं तो यही चाहूँगा कि भारत में देश में जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको जो है ना, भारत देश की सरकार उनको सम्मानित करना चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लेके सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गरीब आज के डेट में जो है ना, आज MRI CT स्कैन आज डायग्नोस्टिक सेंटर में काफ़ी बड़ा रेट वगैरह का ये सब चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो निदान में जो रेट है एकदम स्मॉल रेट है, एकदम कम चीप रेट है, जो गरीब एक एफर्ड कर सकता है वो चीज़ है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को सब गवर्नमेंट और सब पूरा देश मिलके निदान को सराहना करना चाहिए और उनको लिए काफ़ी जो है ना और भी सेंटर खुलवाना चाहिए। मैं तो डॉक्टर नितिन थुरे सर के सामने बोल रहा हूँ कि हर जगह पूरा भारत देश में अपना निदान डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए। जिस तरह आप तो 60% आज गरीब के लिए यहाँ पे खुला हुआ है, जबकि सभी लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि इतना कम रेट में क्यों देते हैं, लेकिन आज गरीब इनका काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इसके लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनको बधाई देते हुए मैं इनको यही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा आज महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे सेंटर खुल रहा है, ऐसे हर एक प्रांत में, हर एक स्टेट में निदान डायग्नोस्टिक सेंटर खुलना चाहिए, जो सब गरीब का भला हो सके। जैसे इन्होंने 1.5 साल तक काम किए कोविड में, रात का रात दिन के दिन स्टाफ के साथ पूरा खुद गरीबों को मदद किए, आज ऑक्सीजन का उपलब्धि किए जो नहीं हो सकता था, उन्होंने काम किए, इसके लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं। बाकी जो है ना, यही चीज़ है कि इनको हेल्थ मिनिस्टर इनको कम सम्मान भी देना चाहिए और पद्मभूषण में इनका नाम आना चाहिए भविष्य में। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर? सर कह रहे हैं कि आपका नाम आना चाहिए, आपको क्या और देना चाहिए, आपका कार्य सर? नहीं, बेसिकली हम लोग कोई इंटेंशन से या पुरस्कार के इससे काम किया नहीं है। हम लोग जहाँ पे जरूरत थी पब्लिक को, कोई देख नहीं रहा था, लोग उनको डेथ्स हो रहे थे, बाकी सब डरे हुए थे, तो वैसे सिचुएशन में हमें जो नॉलेज है, हम लोग सबको बोलते हैं कि अपने जो कोई आपके जो स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टाइज है, वो दूसरों के लिए यूज करो, तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा। वही जो टाइम था कि जहाँ पे अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का दूसरों के लिए यूज़ करना, जो कोई देख नहीं रहा था तभी, वो टाइम पे हम लोग वो यूज़ करके लोगों की हेल्प की। और हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलरली सोचा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा काम वो इसमें लोगों के लिए मदद हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। वो पुरस्कार तो सेकेंडरी चीज़ रहती है, उसमें कोई ये नहीं है, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है अभी, और भी कभी ये रहेगा। हमारा तो ये मकसद है कि ऐसे टाइप में हम लोग प्रिपेयर रहने चाहिए। हम लोग जो मॉडल ये किया, अभी दूरदर्शन ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि अगले टाइम पे अगर कोई ऐसा टाइम आया, भगवान कृपा से नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आया तो ये हमारे जैसे बहुत लोग काम कर पाएंगे, ये हिसाब से उसकी वो काम से प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों ने, उतना ही हम लोग मैं कहना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा कि इसका और आगे बढ़ना चाहिए, निदान मशीन में पूरी बोली है इलाके। देखो, निदान ने जो ये किया हुआ है कि अपना क्वालिटेटिव हेल्थ एट अफोर्डेबल रेट्स, सबको जो अच्छी सुविधाएं, क्वालिटेटिव सुविधाएं एक परोड़ने वाले रेट में मिलनी चाहिए, तो वैसा हमारा मकसद है। ऑब्वियसली उसको काफ़ी कॉस्ट लगती है। ये अभी ये जो सेंटर है, ये सेंटर के अंदर की इक्विपमेंट्स की कीमत, यानी ये छोड़ के
जगह की कीमत छोड़ के 15 करोड़ रुपए के अंदर की इन्वेस्टमेंट है इसकी, जो इतना आसान नहीं है। इतने सेंटर्स रिप्लिकेट करना, बहुत सब जगह पे करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो जो क्वालिटेटिव ये यानी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसके लिए हमें जैसा पॉसिबल होगा, हमारे जो लिस्टेड कंपनी है उसके माध्यम से जैसे कैसे पॉसिबल होगा वो हम लोग करने के, आगे ज़्यादा सेंटर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की कोशिश करेंगे आगे। भूषण मिश्रा, यहाँ पे निदान के बारे में जी। निदान ग्रुप जो है डायग्नोस्टिक का जो इनका प्लेटफॉर्म है, पिछले लॉकडाउन से मैं देख रहा हूँ ये लोग जो नए डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट ये सब जो इनका काम है वो तो करते ही हैं, उसके अलावा इनकी समाज सेवा जो है वो एकदम अद्वितीय है। वसई विरार के अलावा मुंबई में भी। और दूसरी चीज़ें ये है कि देखिए सब बहुत महत्वपूर्ण काम भी है डायग्नोस्टिक और ये लैब वगैरह का, इसलिए कि इससे हमें जानकारी होती है कि किसी भी इंसान को तकलीफ़ क्या है, उसके ब्लड या जो भी पार्ट उसको चेकअप करके ये लोग कंफर्म करते हैं कि इसको एज इट इज़ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तो उस पर इलाज होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल में इसका एक अपना अलग स्थान है और इसके लिए काम करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है, तो डायग्नोस्टिक एक डिसीजन मेकर है, तो इस पर काम करना बहुत बड़ी बात है। और निदान जिस तरीके से काम कर रहा है, बड़ी बड़ी आज भी जो इंस्ट्रूमेंट निदान ग्रुप के पास में है और मेट्रोपोलिस ये सब का जो एक लेबल है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और निदान का केवल डायग्नोस्टिक का ही नहीं, जो आपको मैं पहले ही बताया कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने जो पब्लिक के हेल्थ के लिए जो सोचा है और जो किया है वो सबके बस की बात नहीं है, वो बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार, मेरा नाम ओमकार पाटिल है। मैं आनंदवन वेलनेस सेंटर की तरफ से डॉक्टर थोरवे और मैडम को शुभकामना देना चाहूँगा कि उन्होंने वसई में और एक निदान पैथोलॉजी की ब्रांच शुरुआत की। एंड मैं डॉक्टर थोरवे से गए 3 साल से परिचय में हूँ। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को, खुद डॉक्टर होने की वजह से कम पैसों में ट्रीटमेंट दिए, बहुत सारे लोगों को हम लोग ने भी रेफर किया था उनके पास। सो 3 सालों से कनेक्टेड है और यहाँ पे निदान में भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इतना अत्याधुनिक सेवा प्रदान करना और इस वसई विरार रीजन में बहुत बड़ी अच्छी ये अचीवमेंट है उनके लिए भी। और आगे के प्रवास के लिए, आगे की जर्नी के लिए मैं उनको और शुभकामना देना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम तेजल यंदे, मैं यहाँ पे डायरेक्टर करके इस पोस्ट पे हूँ। फिलहाल जैसे ही हम लोग बोलते हैं निदान, तो निदान एग्जैक्टली क्या है? निदान यानी कौन से भी टेस्ट का जो रोग है, कौन से भी रोग का डायग्नोसिस, प्रॉपरली डायग्नोसिस। तो जैसे ही नाम है वैसे ही निदान में हर कोई टेस्ट होती है, मीन्स पैथोलॉजी से लेकर MRI तक। और अभी रिसेंटली हम लोग ने कार्डियक सिटी एक नया एक टेस्ट ऐड किया है, जहाँ पे हम लोग ने एक वसई में एक मशीन इंस्टॉल की है, जहाँ पे कार्डियक जो एनजीओ स्टडी है, सब हर रिलेटेड एनजीओ स्टडी होती है। जैसे ही हम लोग मीन्स पूरे वसई विरार और पूरे एरिया में निदान इज अ फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिन्होंने फर्स्ट MRI, सिटी स्कैन और अभी कार्डियक सिटी इंस्टॉल किया है। सब ये जो इतना ही नहीं, मीन्स टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए उसके दाम भी अफोर्डेबल रेट्स है, जो कि उसका जो मीन्स उसकी सुविधा है वो नॉर्मल पब्लिक को भी मिल सके। तो यही प्रयास हमारा शुरू से है और आगे भी है। तो इस चीज़ के लिए जितनी भी जानकारी आपकी तरफ से और पब्लिक में जैसे ही फैलेगी तो उतना ही और पब्लिक उसका फ़ायदा ले सकेगी। दैट्स इट। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी वसई सेंटर की सेंटर हेड हूँ निदान डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर। निदान डायग्नोस्टिक सिंस 25 ईयर्स से लोगों को सेवा दे रहा है। उसके CMD है डॉक्टर नितिन थोरवे सर। जो कोविड का मीन्स कोविड में जो वर्क किया, तो आपको तो सबको जानकारी होगी कि कोविड में एक निदान एक पहला डायग्नोस्टिक था कि उसका हर स्टाफ लोगों के प्रति मीन्स सेवा देने में तत्पर था।
हम लोग पूरा कोविड में जो वसई सेंटर हो, विरा सेंटर हो, नाला सोपारा सेंटर हो, हर एक सेंटर से मीन्स एक ही दिन भी कोविड में बंद नहीं रहा और पूरा जो पेशेंट का जो भी टेस्ट है हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया है। और सेकंडली हम लोगों ने जो अभी कोविड के बाद मैंने सर को एक बार ऐसे मीन्स कोविड में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते थे तो बोले कि अभी कोविड में हम लोग पे नहीं कर सकते थे, तो सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम लोग कोई सोच भी नहीं ले सकते। एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगी कि जो रेट्स है ना वो हम लोगों ने पेशेंट्स के मीन्स निदान का थोड़ा बहुत नुकसान करके भी पेशेंट के अकॉर्डिंग टू पेशेंट को अफोर्डेबल जितना जाएगा उतना रेट्स विथ वही क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड ऑल जो है। अभी ये जो सेंटर है ना वसई सेंटर है 24/7, इसके लिए कि कोई 24/7 में मीन्स कोई भी सभी टेस्ट हम लोग यहाँ करते। अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ कार्डियक सिटी उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ मैं कि ये विप्रो का ऑप्टिमा सिटी 500 स्लाइड सिटी मशीन है जो बोरोली तक इतना एडवांस मशीन नहीं है। कार्डियक रिस्क जो मेजर प्रॉब्लम रहता है मेडिकल मैनेजमेंट में कार्डियक रिस्क रहता है तो बाकी के प्रॉब्लम्स रहते हैं ना मीन्स अपडामेन ऑल ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन कार्डियक के लिए कैसे अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिली या तो प्रिकॉशंस नहीं मिला तो वो पेशेंट ऑन दी स्पॉट जा भी सकता। तो इसी महीने में रख के हम लोग अभी कार्डियक सिटी लॉन्च कर चुके हैं। लॉन्चिंग रेट्स भी बहुत कम है मीन्स अकॉर्डिंग टू मुंबई एंड ऑल मीन्स जहाँ 17-25,000 है वहाँ हम लोग सिर्फ 9,000 में लॉन्चिंग रेट्स रखे, हाईली निग्लिजिबल मीन्स वो रेट्स है ना अफोर्डेबल टू एवरी पेशेंट। और ये जो कार्डियक सिटी स्कैन है वो हम लोग सिटी एंजियोग्राफी करते हैं, इसमें हम लोग पूरा एंजियोग्राफी मीन्स हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें हम लोग प्रिकॉशनरी ब्लॉकेज एंड ऑल फॉर रूटीन पेशेंट एंड पेशेंट को मीन्स जिस कार्डियोलॉजिस्ट ने रिकमेंडेशन दिया होगा उसके ऑल टोटल स्टडी और विथ गुड रिपोर्टिंग नानावटी एंड ऑल इलाइट लाइक मीन्स गुड रिपोर्टिंग गुड इमेजिंग क्वालिटी एंड गुड सर्विस। थैंक यू।